ये मंदिर तीनों ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण इस मंदिर के आसपास का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रेश हो गई मैं एकदम देख के और हवा का एहसास अपने मुंह पे लेके। चलो, आप मेरे पीछे देख रहे हैं शिव जी की कितनी विशाल और भव्य मूर्ति दिखाई दे रही है, इतनी सुंदर दिखाई दे रही है कि ऐसा लग रहा है कि शिव जी जमीन पे यहाँ पे नीचे उतर आए हो, ऐसा फील हो रहा है। ये जो विशाल सी शिव भगवान की मूर्ति है वो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची शिव मूर्ति है और इसकी ऊंचाई 123 फीट है। इसे अरब सागर में बहुत दूर से भी देखा जा सकता है। इसे बनाने में 2 साल लगे थे और शिवमोग्गा के काशीनाथ और अन्य मूर्तिकारों ने इसे बनाया था। इस विशाल संरचना को दूर से भी देखा जा सकता है। इसकी हाइट 123 फीट है और इसे बनाने में 2 साल लग गए थे। मुरुदेश्वर मंदिर इसी विशाल शिव प्रतिमा के चीज़ का, ये जो ब्यूटीफुल सी भगवान की जगह है, तीर्थ क्षेत्र है, उसका अनुभव ले, उसका एहसास ले। तो इसीलिए आज मुझे एहसास हुआ है, सीखने मिला है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी शाम को ये जो यहाँ का जो वातावरण है वो पूरा मैजिकल लग रहा है, एकदम सुखद अनुभव है, बहुत ही अच्छा लगा। अभी सुबह भी यहाँ पर जल्दी आके मैं अभिषेक करने वाली हूँ। तो ये सब अगर पॉसिबल नहीं होता, अगर आज हम यहाँ पर नहीं रुकते, तो अगर आप मुरुडेश्वर आ रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग करके यहाँ पर रहने के लिए ही आए, तो मुरुडेश्वर प्लान करके ही आप आइए अर्ली मॉर्निंग, नहीं तो शाम को यहाँ पे विजिट करना। Thank you.
दर्शन लेने के बाद मैं गई मेरे होटल में। मैं जहाँ होटल में रह रही थी वहाँ पे हर रोज गोपूजा की जाती है और मैंने भी यहाँ पे आज गोपूजा की। गोपूजा करके बहुत ही आनंद मिला। यहाँ पे गाय के गोबर को सुखाया जाता है, ऐसे उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाए जाते हैं और उसको सुखाया जाता है और इससे बहुत सारे गाय के गोबर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये लोग होटल में बेचते भी हैं। So now it's time to say goodbye to Murdeshwar. Murdeshwar से अभी हम निकल रहे हैं और अभी हम जाएंगे धर्मस्थल मंजुनाथ मंदिर में। धर्मस्थल बहुत ही फेमस मंदिर है साउथ का और यहाँ से मुर्डेश्वर से करीबन 200 किलोमीटर दूर है। अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटा हमें लगेगा धर्मस्थल पहुँचने के लिए, तो बाय द टाइम 4 से 5 बज जाएगा धर्मस्थल पहुँचने के लिए। तो चलिए चलते हैं नई जगह घूमने।